हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर टेकिंग पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 1 पार शेयरिंग. इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉर्म ऑफ पार शेयरिंग. दिस इज फोर्थ पॉइंट. पार शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर्स, ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. देखिए, जो पार शेयरिंग है वो अभी तक हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके साथ भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए. अब फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी होनी चाहिए. प्रेशर्स ग्रुप्स, जो प्रेशर्स ग्रुप है जो किसी भी काम को करवाने के लिए प्रेशर करते हैं, और जो मूवमेंट्स धरना देते हैं उनके साथ भी होनी चाहिए. कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर एंड अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स. देखिए, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास भी फ्रीडम है कि वो अपने अलग अलग सेक्टर को चूज करें, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाए. अगर जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज उन्हें पसंद नहीं आ रही तो उसे चेंज कराने के लिए उसका क्या करें, उसे प्रोटेस्ट करें. In contemporary democracies, this taken the form of competition among different parties. देखिए, present में हम क्या देखते हैं कि जो different अलग अलग parties होती है उनके बीच में competition होता है. Competition मतलब election में competition होता है. एक party चाहती है कि हमें majority मिले और दूसरी चाहती है कि हमें भी majority मिले. कोई भी minority में आना ही नहीं चाहता. सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. और हम क्या पाते हैं कि जो पावर है वह किस कभी भी एक के हाथ में नहीं रहता. कभी इस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो कभी दूसरी पार्टी की, तो जो पावर है कभी भी एक पार्टी या एक हाथों में नहीं रहती. इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफर आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स. देखिए, अब जो पावर शेयरिंग है वह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होती है. दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, चाहे वो अलग अलग आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, सोशल ग्रुप अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट वेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंसेस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. देखिए, अब क्या होता है कि चार पार्टी ने जो इलेक्शन था उसमें कम्पीट किया, मतलब इलेक्शन चारों पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ी, लेकिन चारों में से किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं आती है, किसी को भी मेजोरिटी में नहीं आती है. तो दो पार्टीज़ क्या करती है, आपस में गठबंधन कर लेती है, जिसे गठबंधन की सरकार हम कहते हैं. आपस में दो पार्टी क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है और अपनी गवर्नमेंट बना लेती है. अब उस गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार. दे फॉर्म अ कोलाइशन गवर्नमेंट. अब इसको, इस गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, कोलाइशन गवर्नमेंट. एंड द शेयर पावर इन अ डेमोक्रेसी फाइन इंटरेस्ट ग्रुप सच इज दोज एट ट्रेडर्स. देखो, हम अपने आसपास बहुत सारे ग्रुप्स देखते हैं. व्यापारी संघ हम देखते हैं, और जो रोडवेज के कर्मचारी होते हैं उनका अलग संघ होता है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं, उनके लोग मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं. जैसे ट्रेडर्स का अलग ग्रुप होता है, बिजनेसमैन का अलग ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग ग्रुप होता है, फार्मर्स का एंड इंडस्ट्रियल वर्कर का. तो ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं. जब भी इनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज पसंद नहीं आती तो ये क्या करते हैं, अपनी बात गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं. दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर. और यह सब जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से पावर शेयरिंग चाहते हैं. इधर दो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़, और इसके साथ साथ ये क्या क्या चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंटल कमिटीज़ में भी पार्टिसिपेशन मिले. और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उसको भी ये यूनियंस मिलकर क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़े दिन पहले एक किसान बिल पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. जब ये किसान बिल किसानों को पसंद नहीं आया तो इंडिया की जो किसान यूनियन थी, बहुत सारे किसानों ने मिलकर एक यूनियन बनाई, और यूनियन ने क्या किया, उस बिल का विरोध करना या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. और अभी भी वो जो प्रोटेस्टिंग मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है. तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है वो अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं या उसे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए बेटर पॉलिसीज बना सके, बेटर प्लानिंग कर सके. इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इस 10th क्लास का
सिविक्स का जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड यूनिट है, हम उसमें स्टडी करेंगे वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो किस तरह से वर्क करती है, प्रेशर ग्रुप किस तरह से काम करते हैं, और जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट पावर शेयरिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।